नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। आज हम आपके बीच जलसा नाम की फिल्म एक्सप्लेन करने वाले हैं। जलसा एक क्राइम थ्रिलर है। ये कहानी एक कार एक्सीडेंट के बाद पैदा हुए कुतूहल की है। कैसे इस एक्सीडेंट में हर कोई अपना फ़ायदा ढूंढता है। कोई पैसे देकर अपना जुर्म छुपाना चाहता है, तो कोई मुकदमे के नाम पर लाखों का सेटलमेंट करता है। सबके लिए ये पैसे बनाने का अच्छा मौका है। यहाँ सभी लालची होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आर्या मोहम्मद एक कॉलेज स्टूडेंट है। सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है। एक दिन उसने अपनी माँ से झूठ कहा कि उसे देर रात तक पढ़ना है, पर आधी रात को तैयार होकर सबसे छुपते छुपाते घर से निकल गई। फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त रिजवान के साथ एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चली गई। जब रिजवान ने उसे हमदर्दी दिखाने के बदले करीब आने की कोशिश की, तब वो भागती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। पर जैसे सड़क पर आई, एक कार ने उसे टक्कर मारी। इस कार को माया मेनन चला रही थी, एक ऑनलाइन पोर्टल की मशहूर जर्नलिस्ट है। आज ही उसने एक जज का ज़बरदस्त इंटरव्यू किया था। वीडियो लॉन्च होते ही मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। दफ्तर में देर रात तक काम करती रहती थी, इसलिए ड्राइवर भी घर चला गया था। मेनन थोड़ी थकी हुई थी, थोड़ी शराब भी पी रखी थी। कार चलाते चलाते आँख लग गई। सड़क भी सुनसान है, गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ थी। न जाने वो लड़की कहाँ से आ गई। माया ने वहाँ गाड़ी रोकी भी थी, देखा कि लड़की खून से लथपथ पड़ी है, शायद मर गई होगी। वो लड़का रिजवान भी मोटरसाइकिल दबा कर वहाँ से भाग निकला। यही सही तरीका है, अगर सारे झंझट से बचना है तो भाग जाओ। कोई भी तो यहाँ नहीं है, किसी ने नहीं देखा। सच्चाई, नैतिकता सब छोड़ छाड़ माया भी वहाँ से भाग निकली। इंसानियत का पार तो दूसरे के लिए है। जब माया अपने घर आई, पसीने पसीने हो चुकी थी। गाड़ी पर डेंट लगे थे, खून के छींटे भी मौजूद थे। उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके कवर से ढक दिया, इस बारे में किसी को पता ना चल सके। माया के घर में एक नौकरानी काम करती है, उसका नाम रुखसाना है। आज रात वो माया के घर में ही रुकी है। माया के ऑटिज्म से पीड़ित बेटे आयुष का ख्याल रखती है, वो तो उसके लिए किसी माँ की तरह है। आज रात जब माया घर आई तो काफ़ी परेशान थी, रुखसाना भी ये नोटिस कर सकती है। अगले दिन सुबह सुबह रुखसाना को एक बुरी खबर मिली। किसी ने बताया कि उसकी बेटी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। एक खोमचे वाले ने उसे सड़क पर पड़े हुए देखा था। माया कल रात जिस लड़की को कुचल कर भागी थी, वो उसकी नौकरानी रुखसाना की बेटी थी। जब माया को पता चला कि वो लड़की रुखसाना की बेटी आलिया है, उसका गिल्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब ना तो काम पर मन लग रहा है और ना ही किसी बात का सुकून है। इस बोझ के तले जीना मुश्किल है, इसे दिल से उतारना होगा। तो अगले दिन वो रुखसाना की बेटी को देखने सरकारी अस्पताल चली गई। खुद के ऊपर से पाप का बोझ थोड़ा कम करने के लिए उसने रुखसाना की बेटी को बेहतर इलाज के नाम पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सारा खर्चा वही उठाएगी। बेचारी रुखसाना तो यही समझती है कि मैडम उसके लिए किसी अवतार की तरह है। कोई भी अपने नौकर के लिए इतना थोड़ी करता है। वो तो उसके बेटे आयुष का ख्याल रखती है, उसे किसी माँ की तरह प्यार देती है। शायद ये इसी का परिणाम है। रुखसाना की बेटी के हिट एंड रन मामले की जांच दो पुलिस वाले कर रहे हैं, पर शुरू से ही उनका रवैया इस केस को लेकर ठीक नहीं है। वो इस मामले को सेटल करने पर तुले हैं, जैसे किसी की तरफ से पैरवी कर रहे हो। उन्होंने रुखसाना के परिवार के सामने मामला ले लेकर रफा दफा करने की पेशकश की। रुखसाना और उसके पति बड़ी दुविधा में है कि अब करें क्या, पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दें या फिर कोर्ट में रईस की तरह पुलिस के साथ सालों तक न्याय के लिए लड़ते रहें। इधर माया की ऑनलाइन पोर्टल में काम करने वाली एक नई पत्रकार रोहिणी जॉर्ज भी बिना कहे इस मामले की जांच में लग गई। वो बस माया मैडम को इम्प्रेस करके अपनी नौकरी पक्की करना चाहती है। आखिर ये मामला उसी के घर में काम करने वाली नौकरानी के परिवार से जुड़ा है। ये रोहिणी के लिए भी एक अच्छा मौका था, तो उसने लपक लिया। रुखसाना को अब ये बात कचोट रही है कि उसकी बेटी आलिया ने उसे कल रात झूठ कहा था कि उसे पढ़ाई करनी है। आखिर वो रात के 12 बजे स्टेशन क्यों गई थी? इसलिए वो उस रात उसके बॉयफ्रेंड आलम का पता लगाकर उसके पास चली गई। वो एक कार गैराज में काम करता है। अपनी बेटी की हालत के लिए उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। रुखसाना उसे खरी खोटी सुनाने लगी कि उसने उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पर आलम को खबर ही नहीं है कि आखिर बात क्या है। कल रात वो उसके साथ नहीं था, उसकी बेटी से तो उसका ब्रेकअप हो चुका है।
इधर पत्रकार रोहिणी ने उन पुलिस वालों से भी बात करनी शुरू कर दी जो इस मामले की जांच में लगे थे। पुलिस वाले ने बताया कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर लगे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए किसने लड़की को कुचला है कहा नहीं जा सकता है। पर रोहिणी चालाक है, उसने उस इलाके के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इधर जब माया को पता चला कि रोहिणी उसी के मामले की खुदाई में लगी है, उसने उसे डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश की, कहा कि उसकी सोर्स ही गलत है, इस मामले की जाँच में कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में समय बर्बाद कर रही हो। अब तो माया की परेशानी और भी बढ़ने लगी है, घर में भी वो चिड़चिड़ी रहती है, काम भी ठीक से नहीं किया जा रहा। रोहिणी के जांच की वजह से मामला पेचीदा होने लगा था, इसलिए पुलिस वालों ने भी रुखसाना को पैसे देने का लालच शुरू कर दिया, जल्दी से जल्दी मामला रफा दफा हो जाए। रुखसाना के लिए एक अच्छी खबर है, उसकी बेटी की हालत अब ठीक होने लगी है, ICU से बाहर निकाल दिया गया है। अगर पुलिस वाले जो कहते हैं वो मुआवजा दिला सके, उसके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आखिरकार उसने अपनी ज़ुबान खोल ही दी और कहा कि केस वापस लेने के लिए वो 25 लाख रुपए चाहती हैं, पर ये एक बड़ी रकम है, इस पर कमीशन कमाना है तो पार्टी से कम 35 लाख तो मांगना ही होगा। लेकिन जो पत्रकार रोहिणी ने फ़ोटो देखा तो उसके होश उड़ गए, CCTV में साफ दिखता है कि ये उसकी एडिटर माया मेनन है, गाड़ी का नंबर भी उसी का है। जब रोहिणी ने यह खबर इस मामले की जांच कर रहे पुलिस वाले को देने की कोशिश की और बताया कि उसने भी CCTV फुटेज देख लिया है, पुलिस वाला अचानक रो पड़ा। रोहिणी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। असल में जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां की CCTV ख़राब नहीं थी, वो पुलिस वाले जो इस मामले की जाँच कर रहे थे उन्होंने कुछ दिनों पहले शराब पीकर ठीक उसी जगह पर बड़ा बखेड़ा किया था और रिश्वत लेकर CCTV कैमरे के सामने किसी नेता का पोस्टर लगाने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए एक्सीडेंट वाली जगह पर कैमरे का फुटेज पोस्टर से पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। उन पुलिस वालों को डर है कि अगर जांच होगी तो उनके खुद की करतूत भी सामने आ जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, अगले महीने उसकी बेटी की शादी है, कुछ भी गलत हुआ तो रिश्ता टूट सकता है। इसलिए उन पुलिस वालों ने उस नेता से पैसे उठे जिसका पोस्टर कैमरे के सामने लगा था, उसे डर है कि अगर जांच होगी तो उसका नाम भी सामने आएगा। पुलिस वाले ने रोते रोते सारी बात रोहिणी के सामने उगल दी, पर उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि रोहिणी तो यहाँ उसे माया का नाम देने आई थी, उसे तो उस पूरी कहानी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। उसने तो बस पुलिस वाले की बात मानी कि कैमरा ख़राब है, वहाँ लगे CCTV फुटेज को चेक ही नहीं किया था। दूसरी तरफ रुखसाना और उसके परिवार को इसकी कोई खबर नहीं है कि उसकी बेटी को किसने कुचला था और इसके पीछे अब क्या क्या बखेड़ा खड़ा हो रहा है। लेकिन हाँ, उसने ये ज़रूर सोचा था कि एक बार माया मैडम से पुलिस वालों के सेटलमेंट ऑफर के बारे में बात करें, पर ऐसा करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। भला वो क्या सोचेगी, उसकी बेटी का इलाज वही करा रही है जबकि असली माँ बाप तो पैसे भुराने में लगे हैं। इसलिए उसने माया से कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों ने भी जब उस नेता को डराकर पैसे ऐंठने की बात की तो उसने मुश्किल से 10 लाख रुपए देने की बात की, इससे ज़्यादा देने की बजाय वो मुकदमे लड़ना पसंद करेगा। रुखसाना ने भी कम से कम 12 लाख की डिमांड की, पर बार्गेनिंग नहीं हो पाई, उसे केवल 10 लाख ही मिल सके। पुलिस वालों की भी जान छूटी, उन्होंने इस दलाली में एक भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन कम से कम उनका नाम तो सेफ हो गया। रोहिणी ने भी अपने खुद के एडिटर का नाम मामले में फंसने के बजाय कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा करना ही ठीक समझा। उसने माया को अपनी सारी रिपोर्ट सौंप दी और 2,20,000 में ही मान गई। नए रेंट की डिपॉजिट उसे इतने ही पैसे चाहिए थे। जब माया के ड्राइवर ने उसकी गाड़ी ठुकी हुई देखी तो उसने बाहर के किसी मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवा दी और मुँह बंद करने के नाम पर उससे 5 लाख ऐंठ लिए। एक बार के लिए लगा कि सब कुछ सेटल हो गया है, अब तो रुखसाना की बेटी को भी होश आ गया है। जब माया उसे मिलने गई तो आलिया ने उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया, वो उसके लिए किसी दूध की तरह है, अगर वो नहीं होती तो आज वो जिंदा नहीं होती, उसका अच्छा इलाज कौन कराता, वो तो सड़क पर ही मर गई होती। माया के ऊपर से भी एक बोझ उतर गया, लेकिन एक दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड आलम ने उस लड़के रिजवान को पीटने पर रुखसाना के घर तक ले गया, एक्सीडेंट वाली रात वही उसके साथ था। रिजवान रोते रोते रुखसाना को बताता है कि आलम का उससे ब्रेकअप हो गया था, इसलिए आलिया ने उसे फ़ोन किया और कहा कि उसे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। वो सोशल मीडिया में रील्स बनाया करती थी, रात में बहुत से स्टेशन तक लेकर गया था, वो वीडियो भी शूट की थी। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे,
पर आलिया अचानक से उसे झटक कर सड़क पर भाग गई। दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे उड़ा दिया और वो बहुत डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला। जब रुखसाना ने पूछा कि क्या उसने गाड़ी के ड्राइवर को देखा था, तब उसने सब कुछ उगल दिया। वो उसकी माया मैडम थी। रुखसाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तो उसके बेटे आयुष का इतना ख्याल रखती है, लेकिन माया ने उसकी बेटी को कुचलकर वही मरने के लिए छोड़ दिया। अब रुखसाना को ये लगता है कि पुलिस वालों के ज़रिए माया ने ही सेटलमेंट कराने की कोशिश की थी। इतने दिनों तक वो उसी के साथ पैसों की बार्गेनिंग करती रहती थी। उसे माया के ऊपर गुस्सा भी है और ख़ुद के ऊपर शर्म भी। अगले दिन उसने सारे पैसे प्लास्टिक बैग में पैक करके माया के घर पर रख दिए और उसके बेटे आयुष को अपने साथ घुमाने के बहाने दरिया किनारे ले गई। असल में वो उसे डुबाकर मार डालना चाहती थी। दूसरी तरफ माया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि रुखसाना को ये बात पता चल चुकी है कि उसे मालूम है कि उसकी बेटी को उसी ने कुचला था और मौके से भाग निकले थे, पर इस गुनाह को कबूल करना चाहती है, जेल जाकर प्रायश्चित करना चाहती है। शायद उसका ज़मीर जाग गया हो या फिर उसे मालूम हो गया है कि अब रुखसाना की बेटी सही सलामत है, मरेगा नहीं तो सज़ा भी केवल कुछ ही महीनों की होगी या फिर कुछ मुआवजा देकर छूट जाए, कम से कम अपराध बोध तो नहीं होगा। उसने रोहिणी से फ़ोन पर अपना कन्फर्मेशन रिकॉर्ड कराया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे अपलोड करती, उसे उसकी सास का फ़ोन आया कि रुखसाना घर में ढेर सारे पैसे छोड़ गई है और आयुष को अपने साथ लेकर दरिया चली गई है, अब तक वापस नहीं लौटी है, उनका फ़ोन भी बंद है। माया डरते हड़बड़ाते अपने ऑफिस से निकलती है, कहीं रुखसाना को पता तो नहीं चल गया, कहीं बोनस बात का बदला उसके बेटे से ना ले। जब हैरान परेशान बीच पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका बेटा एक बोर्ड पर लेटा है, वो ज़िंदा है। रुखसाना का मन बदल गया, उसने उसे नहीं मारा, पर वो अब सब जानती है लेकिन खामोश है। उसने वो सारे पैसे उसी के घर में छोड़ दिए जो उसके मुताबिक माया ने सेटलमेंट के नाम पर उसे दिए थे। अब तो माया का गिल्ट उसके पूरे जीवन कम नहीं होगा, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी बेटी का इलाज करवा कर वो पाप से मुक्त हो जाएगी, पर रुखसाना ने सारे पैसे लौटा दिए और उसकी सच्चाई भी जानती है। दूसरी तरफ रुखसाना है जिसे इस बात की तकलीफ हमेशा होगी कि उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के बदले पैसे से मामला सेटल करने की कोशिश की थी। इसी शर्म के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।